एक लड़की के 10 लाख रुपए लेगा लाडो वाले से, अच्छा जब जाकर शादी करेंगे, और अच्छा टोटल बैंड डीजे दारू पानी सब लाडो वाले लेते हैं। अच्छा लड्डू वाले लाते हैं। और वेश्यावृत्ति का भी धंधा बहुत चलता है यहाँ। तो आपके बाबूजी, आपके दादाजी हिसाब से ये गलत काम बंद होना चाहिए? बंद नहीं होना चाहिए, धन्यवाद। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए बंद। अभी इसको तो गवर्नमेंट भी सुरक्षा दे रही है, गवर्नमेंट तो इसको लीगल कर रहे हैं। ठीक है, बच्चा पैदा हो जाएगा, जैसे बेटे का हिस्सा मिलता है तो उसको भी हिस्सा दे देते हैं, अपने धंधा करके कैसे गुजारा को। तो उससे शादी कोई नहीं करेगा फिर? ये हमारे कंजरसम बूंदी जिले में 3 गांव आते हैं, शंकरपुरा, महमूदपुरा और रामनगर। अच्छा। और तीनों गांव में वेश्यावृत्ति चलती है। अच्छा। पर पुलिस चाहे तो उस अपराध को रोक सकती है। अच्छा। पुलिस चाहे वेश्यावृत्ति को रोक सकती है। एक ग्राहक से 100 रुपये मात्र, 100 रुपये में अपना जिसम परोस करती है वेश्या। अच्छा। क्या पता महिला को माँ बाप परेशान परेशान प्रताड़ित करके करवाते हैं, क्या पता शौक से करती है, और जिसलिए 70 रुपये तो माए वायदा उस लड़की के पास रहते हैं, और 30 रुपये कमीशन जो दलाल ग्राहक को बुलाता है, मात्र 70 रुपये में अपना। हाँ, 70 रुपये में, जिसमें लोग क्या करते हैं, बेटी को न पढ़ाते न लिखाते, सिर्फ दारू 70 रुपये का शाम को दारू और मीट खाकर आराम से सो जाते हैं। सुबह उठते ही बेटी बेल की तरह कमा के देगी, शाम को अच्छी बढ़िया मीट मांस बना के खा के। नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल विष्णु आप सभी का यात्रा गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों मैं हूं अभी बूंदी जिले के अंदर, जहां पर कंजर जनजाति के लोग रहते हैं, उनका रहन सहन कल्चर हम जानने वाले हैं। और यहां पर इनका मुख्य पैसा दोस्तों जो है वो काम धंधा है जो वेश्यावृत्ति वाला है दोस्तों। तो हम अब गाँव के अंदर एंट्री करने वाले हैं, ये जो रोड है ये पूरी अंदर जाएगी और हम गाँव के लास्ट तक पूरा गाँव विजिट करने वाले हैं, और किस प्रकार से ये लोग रहते हैं, क्यों इस प्रकार से ये लोग धंधा करते हैं वगैरह, दूसरे काम क्यों नहीं करते हैं। और दोस्तों अब इस काम को वैसे हम लोग कितना भी प्रयास करें तो हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अब विश्व स्तर पर इसको लीगल माना जा रहा है दोस्तों। हर कंट्री के अंदर इसको अब इस काम को लीगल जो है वो नोटिस दिया जा रहा है, जो वेश्यावृत्ति करने वाली जो महिलाएँ हैं, बालिकाएँ हैं, तो उनको मतलब प्रोटेक्शन दिया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है इंडिया के अंदर। तो अब देखते हैं, आगे चलते हैं और इस गाँव का हालात जानते हैं, किस प्रकार से लोगों का रहन सहन है, क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हमें आगे देखने को मिलती है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों, और आगे इसके पार्ट बाई पार्ट आने वाले हैं, तो आप सारे देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं गाँव के अंदर। डिलीवरी केस के लिए डॉक्टरानी साहब की बैठक होना जरूरी है यहाँ। अच्छा, यहाँ गांव में चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है हमारे गांव। बूंदी लेकर जाना पड़ता है हमारे यहाँ के डिलीवरी वाले को, बूंदी जाना पड़ता है। अच्छा। बूंदी में से फिर डिलीवरी वाले कोई रस्ते में हो जाए बच्चा बच्ची तो फिर भी जाना पड़ता है। गाड़ी में डाल के लेकर जाना, 400 लेते हैं, 400 लेते हैं ऑटो वाले, रहने हमारे पास में यहाँ हो तो 400 रुपए। अब ये बच्चा कितने कितने टाइम का हुआ है? 9 महीने हो गए। अच्छा, तो यहाँ स्कूल जो है वो कहाँ तक बनी हुई है? 12वीं तक है? 12वीं तक अभी नहीं वाली अभी चल रही है, पहले 8वीं तक थी। तो यहाँ देखा मैंने बच्चे तो कम ही पढ़ते हैं, स्कूल में जाते कम है? नहीं जाते थे, पर अब कंजर समाज है जी, ऐसे जाते हैं बच्चे। रिश्ता नहीं करते, पहले तो कपड़े मिलते थे, बच्चे बच्चा चल जाते थे, कपड़े मिलते थे, खाना भी मिलता था। खाना तो पहले भी, अभी तो मिल रहा खाना। खाना तो अभी भी मिल रहा है ना, जैसे कंजर समाज है। तो कंजर समाज के अंदर आपका जैसे शादी वाला क्या रीति रिवाज है, थोड़ा मेरे को वो बताओगे? जैसे आपकी बहन बेटियों की या फिर बच्चों की शादी होती है तो उसका क्या रीति रिवाज कैसा है, मतलब कैसे शादी करते हो आप लोग? मैं समझाऊं कि जैसे मेरी लड़की है, मैं टोटल ब्लाइंड हूं आंखों से, तो जैसे मेरे लड़की है, एक तो एक लड़की के 10 लाख रुपए लेगा लाडो वाले से, अच्छा जब जाकर शादी करेंगे। अच्छा। और टोटल बैंड डीजे दारू पानी सब लाडो वाले लेते हैं। अच्छा, लाडो वाले लाते हैं? लाडो वाले लाते हैं, बेटी वाला तो 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता है गवर्नमेंट को, इसीलिए इस गांव को पाबंद किया है। और वेश्यावृत्ति का भी धंधा बहुत चलता है। तो आपके बाबूजी, आपके दादाजी हिसाब से ये गलत काम बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए, धन्यवाद। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए बंद। अभी इसको तो गवर्नमेंट भी सुरक्षा दे रही है, गवर्नमेंट तो इसको लीगल कर रहे हैं। हमारे गांव वाले पैसे सांवते हैं, जिसके घर में होगी तो एक महीने का एक उसके बाद में लड़की होगी तो वो तो धंधा कर भी पढ़ाएगा। अब हमारे पास कोई लड़की नहीं होगी, धंधा वाला कहां से पढ़ाएगा? किसी के तो लड़का 3 है, किसी के 2 है, तो वो तो गरीब। दादाजी, तो जैसे मान लो जो लड़की धंधे में होगी तो उससे शादी कौन करेगा फिर? फिर तो कोई नहीं करेगा, किसी हर किसी का बच्चा पैदा हो जाएगा। हाँ। जैसे बेटे का हिस्सा मिलता है तो उसको भी हिस्सा दे देते हैं, अपने धंधा करके कैसे गुजारा को। तो उससे शादी कोई नहीं करेगा फिर? नहीं। तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई।
नछंग परिवार, मैं टोटल ब्लाइंड हूँ, मैंने 3 लड़कियां हैं, मैंने शादी कर दी, मैंने बेशा बर्ती का धंधा नहीं करवा तो क्या मैं भूखे मर गया गए? सही है तो भगवान पे भीख मांग कर खा लूंगा, बस्ती बहुत है 2 रोटी देने में, लेकिन ये अपनी बहन बेटी से हराम कमाना नछंग अपराध है। सही है, ये सुधार करना चाहिए सरकार को ये वीडियो। लेकिन सरकार तो इसको सुरक्षा दे रही है, सरकार तो कह रही है कि अगर कोई लड़की मन से ये काम में करती है तो उसको पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं करेंगे, ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया अभी। तो ये अब है, ये गलती है। अब जैसे आने वाली जो पीढ़ियां हैं तो वो गांव का जैसे ये गलत माहौल देखेंगे, वो भी ये काम शुरू करेंगे। आपकी कोई जैसे वेश्यावृत्ति वाली लड़की है तो उसको जैसे बाहर से कोई अच्छे समाज वाला कोई मान लो शादी करना चाहे, कभी मैं इसको गरीब लड़की है और इसको मैं अपने साथ में रखूंगा, मेरी पत्नी बनाकर रखूंगा, तो आप शादी कर दोगे? हाँ, कर देंगे, उसको अच्छे से रखेंगे। कभी हम सुखी रखेंगे, हमारा भी घर बस जाएगा और इसकी भी जिंदगी सुधर जाएगी, तो आप शादी कर दोगे? बहुत सारे कर देते हैं, माँ बाप नहीं करते तो लड़की आ जाती है तो लड़की। अच्छा, पसंद आ गया ना लड़का, अच्छी पार्टी का फिनिश, कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। जैसे खून चलेगा जब तक तो लड़की पे आएंगे कोई भी, आप या मैं ही, और खून खत्म होने के बाद धक्के देंगे भाई बाप बेटे, उनकी जिंदगी बेकार हो जाए। सही है, ये नष्ट काम है, नछंग इनका सुधार हो। तो कोई काम नहीं है, पर ये लड़के का मूल ये देखिए, मेरा हाथ तो टूट गया है एक लड़ाई झगड़े में। राधा मेरी घरवाली है और गांव वाला दारू पी का है, दुकान पे बैठी थी, पैसे मांगे तो पैसे में हाथ तोड़ दिया। इसका 1.5 महीना हो गया रिपोर्ट किए तो पुलिस वाले ने लूटपाट कर ली, आपके खुद के घर के बाहर ही आपके। हाँ, और लड़के कौन थे, गांव वाले थे एक बाहर वाले? गांव वाले थे, तो रिपोर्ट कर दी, मेडिकल बनवा दिया और पुलिस वाले ने खा के और 5,000 खाए, 10,000 खाए, अभी तो कोई गिरफ्तार नहीं किए। जो मैंने कल एसपी साहब को रिपोर्ट दोबारा पेश कर दी, एसपी साहब ने बोला बेटा आज नहीं कल इनको पुलिस वालों को भी यहाँ से सस्पेंड कर देंगे और आपके मुर्जुम को जैसी डालेंगे। आप लेडीज पर हाथ उठाने वाला अपराध है, ऐसा कौन सा माँ का लाल, आपका पति ब्लाइंड है आपको से काल। तो आप कितने सालों से ब्लाइंड हो, बचपन से? माँ के पेट से। अच्छा, भाई साहब ये हालत है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ओहो, गुड़िया छुट्टी हो गई, कौन सी क्लास में आप? 6th क्लास में। चलो लड़कियां पढ़ रही है, ये मेरे को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ओह, ये तो बहुत हालत ख़राब है आपके तो, यहाँ पे कैसे चलते हो आप लोग? हाँ छोटो, ये तो तो ये रोड तो आपके पूरा ऐसे ब्लॉक हो रखा है, कादे कीचड़ से पूरा ब्लॉक हो रहा है। ये आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से हैं, गंदा हो गया ये रोड तो। हाँ पूरा, ये अब नया बनेगा तो ही काम बनेगा, कहीं काम काट भी नहीं दिया, सड़ जाएगा। अरे भाई साहब ये हालत हो गई है, और अभी तो इतनी ज़्यादा बरसात ही कहाँ हुई है, बहुत ज़्यादा कमी हुई है बरसात तो। बरसात की सीजन तो अभी आगे पूरी पड़ी है 4 महीना, तो ये लोग कैसे रहेंगे यार। और भाई साहब हालत ख़राब है अंकल जी। राम राम। अरे राम राम नेता। हाँ, अब कैसे चलोगे आप यहाँ पे, कैसे जाओगे? ये देखो, अरे बुढ़िया आ गई। कौन सी क्लास में बेटा? 8th में। हाँ। पढ़ते हो, स्कूल में टीचर आते हैं सारे? अच्छा, और अभी आपकी जल्दी कैसे हुई छुट्टी आज? रोजाना इसी टाइम छुट्टी होती है क्या? हाँ। अच्छा, अब तो शनिवार को आज आपका बैग कहाँ है? अच्छा, वापस आए हो, लंच हुई है क्या? हाँ। फिर वापस जाओगे खाना खा के? अच्छा अच्छा, ओहो हो भाई साहब ये देखो खड्डे ही खड्डे, और यहाँ पे ये थोड़ा सा रास्ता आया है। चलो दोस्तों गाँव के भीतर चलते हैं और अंदर और देखते हैं। और छोटो एक्शन कर रहा है सामने कैमरे के हैं, अरे धीरे निकालना पूरे यार कादे कीचड़ है। आपकी तो वीडियो नेट पे देखा था तूने मेरे को? हाँ। कब देखा था? मोतिया जी के मेला, वो मेले वाला वीडियो देखा था तूने? अच्छा, सब्सक्राइबर भी मिल रहे हैं दोस्तों। राम राम सा, कादा कीचड़ है देखो अंकल जी। राम राम, कैसे चलते हो इस पे, इस पे कैसे चलते हो आप लोग है? और माता जी अभी तो जैसे बरसात ही नहीं हुई, और ज्यादा बरसात होगी तो यहाँ तो पूरा ये तालाब बन जाएगा।
यहाँ गोड्डी तक पानी आ जाएगा, घुटने तक भी तो है। सरकार इसको करे नहीं आता, हम क्या करें। अच्छा अब ये तो रोड बन जाए और 40 पे घटी उठी अच्छी बड़ी लगा दे अच्छी रहे। हाँ। अब ये सरकार अभी आप आ गया कैसे निकलेंगे, आगे जाओ आगे तो ये तेता रब दौड़ाओ क्या करे। अब ये बाइक आई है। हाँ? ये गाड़ी आ रही है। खुला है खुला आपके, वो नीचे गिर रहा है देखो। ये आगे कहाँ रखा हुआ, कहाँ था आगे था पूरा नीचे गिर जाता। अभी नाप ले रोड का? नहीं रोड का नाप नहीं ले रहे हैं हम लोग, पूरा गांव गांव घूम रहे हैं गांव घूमने के लिए। यहाँ आगे तो और ज्यादा हालत खराब है निकलने के लिए। ये घर आपका है? अच्छा अभी आप कहाँ जा रहे हो, मजदूरी पे? कुएं पे बर्तन धोने, कपड़े धोने, नहाने? अच्छा ये देखो बकरियां, बकरियां भी चराने जा रही हूं। तो अब जैसे यहाँ तो कादा खींचड़ा अब ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा नहीं रोड पे? अभी तो चलो जगह है चलने के लिए, मेरे तो सारे जूते ही खराब हो गए। और रे भाई साहब हालत पूरी खस्ता है। ओ हो घरों के अंदर बैठे हैं लोग और बाहर इस प्रकार से बदबू भरा ये रास्ता। पीछे घर है, पीछे भी घर है छोटू। कादा कीचड़ यहाँ पे भी ये माहौल है। राम राम सर, इधर क्या बोला? मैं जोधपुर से। हाँ इधर इधर ये गांव घूमने आया देखने के लिए कि भाई ये किस प्रकार से क्या सुविधाएं हैं। ये रोड पे कादा कीचड़ देखो, ये हमारे गांव में गंदगी बहुत है। तो ये गंदगी तो फिर ये सरकार रोड नहीं बनाता। अच्छा अरे एक बत्ती नहीं आती, बत्ती नहीं देते। अब लाइट नहीं है? नहीं है लाइट, कहाँ लाइट है? देते मंट खांड ले बत्ती देते, लाइट नहीं दे बत्ती नहीं देते। हालत तो पूरी खराब है। आतो आतो यहां को सब बता दो क्या बाहर बैठे थे बत्ती को तो घर में नहीं बैठ सकते गांव में। हां पर बिल्कुल बत्ती नहीं है गांव में, बत्ती बस मंट खा। अब कितना टाइम हुआ आपके लाइट आए हुए? लाइट सुबह की लाइट चल गई है, छोटे छोटे बच्चे आखिर आती है औरतें लेके बैठ रहती है, बीजना उड़ाती है, मस्त रहती है। बत्ती हो तो बच्चे सो जाते, बच्चे खास सोएंगे मच्छर खाते बच्चे को, फिर मच्छर काटते बच्चे खास सोते हैं, बत्ती नहीं देते। और ये रोडों की हालत तो ये दिख रही है मेरे को। हाँ ये सरकार अच्छी है, है? मैं घूमने आया हूँ गुड़िया, घूमने आया हूँ घूमने। कोई लूटपाट मत कर लियो। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ओहो ये आ गया। और राम राम। और यहाँ पे भी ये हालत है। ये आप ऐसे यहाँ पे खाना खा रहे हो या ऐसे? देखो बच्चे को नहला रहे है ना। अबे ये इधर बच्चे को नहला रहे हैं। तो अभी जैसे बरसात ज्यादा होगी तो और ज्यादा पानी बढ़ जाएगा यहाँ तो है? और लगभग घर भी सबके कच्चे बने हुए हैं, है ना? तो आप जैसे यहाँ खाना खा रहे हो भैया, आपका नाम क्या? सोनी। माता जी यहाँ पे मच्छर भी तो बहुत होते होंगे इनका कादे कीचड़ से? बहुत मच्छर है। तो रात को कैसे सोते हो? लाइट तो आती नहीं है बरसात में? हाँ नहीं आती, अब नहीं आ रही सुबह क्या, बंदर तक घर में बैठे अभी नहीं जाता है। अच्छा भाई साहब कितने ऐसी हालत में भी लोग रहते हैं यार रियल में, ये कैसे भी हो लेकिन यार ये भी तो है तो इंसान ही ना,
बहुत मुश्किल है। और ये भैया जी यहाँ पे खाना खा रहे हैं, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, बदबू भी आ रही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये बच्चे को नहलाने का काम चल रहा है। चलते चलते अच्छा नीचे गिरते ही टूट गया पैर। अरे भाई साहब, अब ये देख छोटी लड़की बत्ती गर्मी के महीने देखो उधर आर पार उस रोड पे देखो आप भैया बिल्कुल बत्ती नहीं देता। और सरपंच ने बोला भैया नगर पाली में गांव आ गया 24 घंटे बत्ती आएगी, 24 घंटे छोड़ कर तो 10 मिनट भी बत्ती नहीं आती। अच्छा हालत अब सरपंच भी मर गया हमारा हाथ से। और ये आदेश वाले घूमना आते ना यहाँ देख के तो चल जाते और कुछ कार्रवाई नहीं करते है, ये भी मर गया हमारा हाथ से। अच्छा मेरे को तो मत मारना अब सुविधा तो देखो गवर्नमेंट करेगी, हम तो क्या है हम आपका जो गांव का जो विजिट है वो हम रिकॉर्ड करेंगे कैमरे में, हम तो आगे सबके सामने रखेंगे जनता के सामने। तो हम तो बस ये घूमने आए हैं दोस्तों। कंजर जनजाति के गांव में अब सबसे मुश्किल पड़ाव मेरे सामने ये है कि मुझे इस जो है कादे कीचड़ या इसको गंदगी को मुझे पार करना है। यहाँ पर पांव रखने की जगह नहीं है और ऊपर से मेरे पहने हुए हैं जूते जो सारे के सारे मुझे लग रहा है कीचड़ में हो जाएंगे। क्यों छोटो पत्थर रखे भैया और भाई साहब इसके दोस्तों आप देख सकते हैं पूरे पूरे पांव भर गए। तो अगर निकला जाएगा तो मैं निकलूंगा, नहीं तो मैं तो नहीं जाऊंगा आगे। छोटो मैं तो नहीं जाऊंगा। आप लोग कैसे चलते हो माता जी, कैसे चलते हो इस कादे में? अच्छा कोई बढ़ाता ही नहीं, सुनाई नहीं करते तो इसमें करना। तो दोस्तों यहाँ पे चलने की बहुत ज्यादा दिक्कत है, मैं थोड़ा सा ऊपर से आपको शूटिंग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से कूद जाता हूँ मैं ना नीचे। अच्छा तो दोस्तों मुझे अभी यहाँ इधर घर से निकलना पड़ रहा है। और ये इस प्रकार से पत्थर जमाए आप लोगों ने ना, तो पक्का आंगन नहीं बनाया? अच्छा तो अपने माता जी यहाँ पे सारे के सारे गरीब ही दिख रहे हैं मेरे को तो। मैं जोधपुर से हूँ, मैं गरीबों का देख रहा हूँ सुविधा क्या है। पानी भर रहा है। तो आप काम काज क्या करते हो, काम काज क्या रहता है आपका? काम काज तो कुछ भी नहीं, खाने का डुकरा है जो डुकरा लाता है और ये आंधे है खोरन दिखता नहीं, ये थोड़ा चलता नहीं है। ये डुकरा है एक जो लाता है और खिलाता है हमको। सही सही चलो मैं नीचे कूदता हूँ यहाँ से। इधर से निकल जाए पीछे से। चलो पीछे से निकलते हैं। ओहो हो गांव के भीतर। अरे धीरे धीरे ये देखो ये भाई साहब अब मैं इधर पीछे आ गया, ये पीछे रास्ता बंद हो गया छोटू ये। अच्छा मैं इधर पीछे आ गया हूँ। और तुम लोग कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं मेरे लार नहीं आना, तेर लार आ रहे हैं बेटा। यार खतरनाक बोली बोली इसने तो, तेर लार आ रहे हैं क्या राग बोली। राम राम दादी जी।